उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। सपा आरएलडी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग। जो दोस्तों आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। 58 सीटों पर हो रहे मतदान में भाजपा का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में हो गया है। सुबह से ही समाजवादी पार्टी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग की जा रही है। वहीं अगर बात करें दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा आरएलडी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हुई है। दरअसल आपको बता दें कि कैराना हापुड़ मेरठ में ऐसी तस्वीर आई है जहां पर खुलकर आरएलडी के समर्थन में वोटिंग हुई है। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान में ही साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। और पहले ही चरण के मतदान में सपा आरएलडी को जबरदस्त बढ़त मिली है और भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक का हिजाब विभाग पहुंचा उत्तर प्रदेश। वोटिंग से एक दिन पहले एएमयू में लगे अल्लाह अकबर के नारे। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिजाब को लेकर कर्नाटक में चल रहा हंगामा अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। बुधवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्राओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर गुस्साई छात्र छात्राओं ने बुधवार शाम को एएमयू में नारेबाजी की और मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनके प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव में वोटिंग भी होनी है। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बुधवार की शाम को छात्र और छात्राओं ने हाथों में पोस्टर लेकर इकट्ठा होकर जो है हिजाब प्रकरण को लेकर अल्लाह अकबर के नारे लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी पर गोबर फेंक कर किया गया विरोध प्रदर्शन, भाजपा को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, वैसे ही बीजेपी नेताओं के खिलाफ लोग का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र रमाला के काफिले पर गोबर और पत्थर फेंके गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी यहां पर पीटा गया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में चुनाव से पहले वोटिंग से पहले ही जबरदस्त विरोध बीजेपी के नेताओं का हो रहा है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि सपा गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे जेल में बंद मुख्तार अंसारी, राजभर की पार्टी ने दिया टिकट। जय दोस्तों आपको बता दें कि मऊ की सदर सीट से विधायक मुख्तार अंसारी एक बार फिर से चुनावी मैदान में आ रहे हैं। सपा गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा ने मुख्तार अंसारी को टिकट दिया है। मुख्तार का नामांकन फॉर्म भरने के लिए हाईकोर्ट से इजाजत मांग गई है। कोर्ट गुरुवार को मामले पर सुनवाई करेगा। मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने लाइव हिंदुस्तान से फोन पर हुई बातचीत में बताया कि कोरोना को देखते हुए इस समय जेल में मुलाकात पर उनके रोक लगी हुई है। इसी को देखते हुए विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट में अर्जी दी गई है। अर्जी में कहा गया है कि नामांकन फॉर्म भरने के लिए मुख्तार से मिलना जरूरी है, ऐसे में उनके अधिवक्ता प्रस्ताव को नोटरी अधिवक्ता और फोटोग्राफरों की मुलाकात की अनुमति मांगी गई है। मंगलवार को दायर की गई अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन हड़ताल के कारण अब गुरुवार को इस पर सुनवाई होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि बांदा में वोट मांगने गए बीजेपी विधायक के सामने दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में चुनावी माहौल गर्म है, इसी कड़ी में कई जगह से आपसी कलह की खबरें आ रही हैं। ऐसा ही मामला बांदा से सामने आया है। यहां भाजपा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के सामने दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। साहू समाज की बैठक में विधायक अपने लिए वोट और समर्थन मांगने पहुंचे थे, जिस पर एक पक्ष ने विधायक के सामने ही दूसरे खेमे के साथ मारपीट कर दी। दरअसल आपको बता दें कि उसी संस्थान के कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि कार्यक्रम में राजनीतिक व्यक्ति को शामिल किया जाए, लेकिन संस्था के कुछ पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी को बुला लिया, जिसे लेकर बीच कार्यक्रम में मामला बिगड़ गया और नौबत लात घूंसे तक आ गई और मामला कोतवाली तक पहुंच गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि देवबंद में समाजवादी पार्टी ने चली नई चाल, हिंदू वोटों को विभाजित कर बनाया प्लान। जय दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर देवबंद पर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने देवबंद में हिंदू वोटरों को विभाजित करने के लिए नया प्लान बनाया। समाजवादी पार्टी ने माविया अली को देवबंद से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सहारनपुर देवबंद रोड पर समाजवादी पार्टी का चुनाव कार्यालय चलाने वाले राबकारी साजिद का कहना है कि इस अफवाह के कारण निर्वाचन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के यूपी जाने के बाद प्रदेश भर में होगा गंगा जल का छिड़काव, आचार्य परमहंस ने किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासत अपने चरम पर है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है, तो वही कई पार्टियों के मुखिया ऐसे भी हैं जिनकी पार्टी ने यूपी के विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं उतारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में विपक्ष की अन्य पार्टियों को समर्थन में खुलकर उतरे। इसी तरह टीएमसी की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार करने आई। इस बीच अयोध्या के महंत जगत गुरु आचार्य परमहंस दास ने ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। संत परमहंस दास ने कहा है कि ममता बनर्जी के उत्तर प्रदेश से जाने के बाद प्रदेश भर में गंगा जल का
छिड़काव करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से ये बाबा पागल हो गए। इसी के साथ आपको बता दें कि एसपी ने कांग्रेस को दिया रिटर्न गिफ्ट, कांग्रेस के दिग्गज नेता की बेटी के खिलाफ नहीं उतारा प्रत्याशी। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए भले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन राज्य की कुछ सीटों पर दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। पिछले दिनों ही कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ, उनके चाचा शिवपाल यादव के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान किया। हालांकि कांग्रेस पहले मैनपुरी की करहल सीट पर प्रत्याशी को घोषित कर चुकी थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लिया। वहीं अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रामपुर खास सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा, मोना मिश्रा चुनाव लड़ी है। वहीं चर्चा है कि एसपी ने कांग्रेस प्रत्याशी को वॉक ओवर दे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि लालू यादव ने यूपी के जाटों को दिया संदेश, बोले भाजपा के रूप में नया अंग्रेज आ गया है। दोस्तों आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। लालू यादव ने कहा कि वे महंगाई गरीबी नहीं बल्कि अयोध्या और वाराणसी की बात कर रहे हैं। लालू यादव ने यूपी चुनाव के संदर्भ में कहा कि बीजेपी की हताशा से पता चलता है कि वे यूपी चुनाव हार जाएंगे। यूपी चुनाव में जो महाभारत छिड़ा है उसे जिस तरह से भाजपा बेचैन है, इस बात के संकेत है कि भाजपा की वहां से विदाई हो रही है। वे केवल दंगे और मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं। लालू ने कहा कि 70 साल पहले अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया गया था, लेकिन अब अंग्रेज बीजेपी के रूप में लौट आए हैं। उन्होंने जाटों से कहा है कि किसी भी कीमत पर आपको बीजेपी के झांसे में नहीं आना है और सपा आरएलडी को वोट करना है। इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को मतदान दिन घूमने से रोका जाए, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। सपा ने आरोप लगाया है कि प्रचार खत्म होने के बाद भी केंद्रीय मंत्री ने काफिले के साथ मुजफ्फरनगर में मंगलवार की शाम चुनाव प्रचार किया। सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव के दिन 10 फरवरी को संजीव बालियान के भ्रमण पर रोक लगाई जाए। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की तरफ से जारी पत्र में लिखा गया है कि मंत्री संजीव वालियान वाहनों के काफिले के साथ प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद भी 8 फरवरी को रात चरथ थावल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मतदाताओं पर भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए दबाव बना रहे थे। ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताए दोस्तों की साइकिल को वोट देना चाहता था बुजुर्ग, कमल पर डलवाया, सपा की चुनाव आयोग से शिकायत। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले फेज की वोटिंग के तहत गुरुवार को 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने कई बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि आगरा में एक बुजुर्ग से कर्मचारियों ने कमल पर वोट डलवा दिया, जबकि वह साइकिल की वोट देना चाहते थे। वोटिंग शुरू होने के बाद से सपा की ओर से लगातार अलग अलग बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वह जबरदस्ती बीजेपी पर वोट डलवा रहे, लेकिन लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं। साइकिल आरएलडी पर वोट देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग जबरदस्ती वोट डलवा रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि आज जारी होगी 10वीं और 12वीं के परीक्षा केंद्रों की सूची। इस बार 51 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों की सूची गुरुवार को जारी होगी। हालांकि कई जिलों में आपत्तियों का निस्तारण किए बगैर सूची जारी होगी, क्योंकि समय रहते जिला विद्यालय निरीक्षण स्तर से केंद्रों की सूची बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। यह स्थिति तब है जब विशेष सचिव शासन जय शंकर दुबे 2 फरवरी को बैठक संयोग करेंगे। मैं आपको बता दें खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की 10वीं 12वीं की जो है परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होगी, और इस बार 51 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा उत्तर प्रदेश में देंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि मुरादाबाद में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सोनिया गांधी पर जमकर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के वोटिंग में अब एक दिन शेष नहीं रहा। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है, जहां पर वोटरों को ले जाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता लगातार रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद जिले की 30 बिलारी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ परमेश्वरम लाल सैनी के समर्थन में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर स्वतंत्र देव सिंह द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा गया। दरअसल आपको बता दें कि
मुरादाबाद जिले के बिलारी विधानसभा में, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद में प्रत्याशी परमेश्वरम लाल सैनी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पर दिए गए बयान पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी द्वारा दिए गए बयान का पलटवार स्वतंत्र देव सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि अटल जी द्वारा कोई भी सांप्रदायिक काम नहीं किया गया, 370 हटा, ना कोई भी सांप्रदायिकता इसमें नहीं थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है।